नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं द फेस ऑफ इंडिया न्यूज। कोरोना के समय जहां पर लोगों के पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं, तो वहीं कई सालों से ये सभी लोग कुत्तों का सहारा बने हैं। बेसहारा बेजुबान कुत्तों का हाल जो कोई नहीं पूछता, उनका ध्यान कुछ ऐसे ही फरिश्ते रखते हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड में फरिश्ते चैरिटेबल ट्रस्ट, जो सड़कों पर बेसुध जानवरों की मदद करने के इरादे से इस संस्था की स्थापना की गई है। फरिश्ते चैरिटेबल ट्रस्ट का लक्ष्य आश्रय प्रदान करना, जानवर को खिलाना और उन लोगों की देखभाल करना जो चोटिले हैं या उन्हें कोई बीमारी है। फरिश्ते ट्रस्ट की संस्थापक कलावती शर्मा हमेशा से बेजुबानों की मदद करने के लिए भावुक रहे हैं। वे और उनका पूरा परिवार पिछले 8 वर्षों से प्रतिदिन उनके क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगभग 200-300 आवारा पशुओं को खाना खिला रहे हैं। अगर आप इस बेजुबान की मदद करना चाहते हैं, तो इस संस्था में आप कुछ दान कर सकते हैं। द फेस ऑफ इंडिया की रिपोर्टर स्वाति और प्रीति ने फरिश्ते चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर कलावती शर्मा जी से बात की। मेरे एनजीओ का नाम है फरिश्ते चैरिटेबल ट्रस्ट। इसको हमने 8 साल से मैं फीड करती हूँ जानवरों को, मेरी फैमिली, रस्ते के जो बेजुबान हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, तो उनको हम फीड करते हैं। तो 7 साल से हम इनको फीड कर रहे हैं। तो बाद में मेरे बच्चों ने बोला कि सेवाएं काफ़ी बढ़ गई है, डॉग्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, 350 के आसपास डॉग हो गए हैं और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। कैट्स पहले नहीं थी, कैट्स अभी बढ़ते जा रहे हैं, 50 के ऊपर कैट्स हो गई है। तो अभी देख रहे हैं कि जो समय हालात जो चल रहे हैं वो बहुत बुरे हैं। जानवरों को अभी खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि आप गाय को देखो, गाय सड़क पे भटक रही है, उन्हें खाने को नहीं मिलता। तो थोड़ा सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को ज़्यादा करना है, ये सोच के मैंने ये एनजीओ बनाया, ये ट्रस्ट बनाया हुआ है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो पर्सनली कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, और कोई इंसान कहाँ तक अपनी जेब से करेगा, इतना कहाँ तक किसी को खिलाएगा, तो कर नहीं पाते इतना। क्योंकि जब तक 300-350 चलो ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, बच्चे हैं, हेल्प करते हैं, फैमिली हेल्प करती, लेकिन फिर भी बोले ना, पेट नहीं भर पाता उतना जानवरों का। और सेवाएं आगे बढ़ानी है, और मेन चीज़ है हमारे मीरा भाईंदर में एक भी एनिमल्स हॉस्पिटल नहीं है, जानवरों का कोई हॉस्पिटल नहीं है। और अभी लोगों को पता चला है कि मेरा एनजीओ है, तो कॉल्स काफ़ी आते हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं कि मैम इधर डॉग है, इधर बीमार है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ लोगों को, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास, अभी फ़ंड नहीं आ रहा है। तो अभी सेवा करनी है तो फ़ंड की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो यही मेरा एम है कि मुझे एक हॉस्पिटल करना है मीरा भाईंदर में बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ पर मैं फिट करती हूँ वहाँ पर मेरा ही एरिया लीजिए कि कितने डॉग्स बीमार रहते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है तो हम लोगों को थाना जाना पड़ता है या फिर परेल जाना पड़ता है, बहुत दूर है और पॉसिबल नहीं होता इतना। क्योंकि वहाँ पर अगर भेजो तो आपको फॉलोअप लेना है, प्लस खर्चा भी उतना है, तो उतना नहीं कर पाते पर्सनली। तो मेरा ये कि यही है कि मुझे मीरा भाईंदर में एक बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही लोगों से कहूँगी कि हमसे जुड़िए और इसमें थोड़ा फरिश्ते को हेल्प कीजिए, ताकि हमारा एनजीओ हम आगे लेते जा सके। सर मैम, कितने लोगों को आप फीडिंग देते हो अभी? मेरे है अभी 350 के ऊपर ही है डॉग्स, 400 के आसपास है डॉग्स, और कैट्स है 50 के आसपास कैट्स है। फीडिंग में आप देते हो मैम? फीडिंग में मैं देती हूँ दूध, राइस एंड पेडिग्री मिक्स करके, और चपाती दिन का मेरे 300 के आसपास चपाती हो जाती है, क्योंकि चपाती बहुत डिमांड करते हैं ये लोग, लेकिन उतना बना नहीं पाते हम लोग। तो उसके साथ में दूध राइस देते हैं, बिस्किट्स देते हैं और पेडिग्री देते हैं। दूध राइस बिस्किट पेडिग्री चपाती ये सब हम देते हैं। तो लोगों से मैं कहूँगी कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं हमारे टीम को, हमारे फरिश्ते को, तो आप हमें फूड डोनेट कर सकते हैं बच्चों के लिए, मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि ये लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ये फरिश्ते नाम क्यों रखा, बहुत अच्छा है, लोगों को नाम बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं लोग नाम सुनकर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फरिश्ते वही होते हैं जो जिनको भगवान चुनता है, जिनको भगवान चुनता है वही होते फरिश्ते, जिन्हें दूसरों की दर्द महसूस होता है, दूसरों का दर्द महसूस होता है,
दूसरों की बोलते हैं ना तकलीफ़ को महसूस कर पाते हैं, और जो बेजुबानों को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, किसी को भी वो खाना खिलाते हैं, जो फरिश्ते होते हैं वो हर एक की भूख का, हर एक की दर्द का, तड़प का उन्हें एहसास होता है। तो हमारे मीरा भाईंदर मैना काफ़ी एनिमल लवर है, बहुत से लोग हैं जो जानवरों की सेवा करते हैं, उन्हें फीड करते हैं, दिल से काम करते हैं। तो बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं इनके लिए हॉस्पिटल कर सकूँ, बहुत इच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जाकर डॉग्स को खाना खिला सकूँ। क्योंकि अभी जहाँ पर मैं खाना खिला रही हूँ वो तो मेरे 4-5 एरिया ही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ घोड़बंदर साइड है, गोराई साइड है, जहाँ पर डॉग्स को खाना नहीं मिलता, बहुत बुरी हालत है बच्चों। मेरी इच्छा है कि मैं एक वैन रखूँ, मुझे एक वैन मिल जाए जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना भर कर जहाँ पर मैं चाहती हूँ वहाँ पर जाकर फीड करूँ, दूर दूर तक फीड करूँ। एटलीस्ट कम से कम बच्चे भूखे तो ना रहे, जानवर भूखे नहीं रहे, क्योंकि भूख तो सबको लगती है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो, खाना मिलना सबका अधिकार है। तो बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इतना मेरी झोली भर देना कि मैं किसी भी जानवर को भूखा ना रहने दूँ, बस सबको खाना खिलाऊँ और उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूँ, अच्छी सेवा दे सकूँ बच्चों को। मेरी टीम में है पहले तो करणवीर शर्मा, राहुल शर्मा, प्रिंसी शर्मा और जितेंद्र पांडे और नितिन श्रीवास्तव है, और काफ़ी है इसमें नीरव पटेल है एक है, जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं हमारे साथ जुड़े हैं, यूसुफ खान है जो बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं, और जो जितेंद्र पांडे है वो तो कमाल है, क्रूल्टी के लिए है, हमारे हीरो है वो जो उनका काम है मुझे बहुत पसंद आता है, तो वो मेरी टीम से जुड़े हैं। क्योंकि तो इन लोगों ने मैंने काफ़ी चाहा था कि मेरे जो मीरा भाईंदर के कुछ एनिमल लग रहे मेरी टीम से जुड़ जाएँ, हम मिलके काम करें उनके साथ में, पर वो नहीं शायद जुड़ना चाहते थे। तो लेकिन काफ़ी लोगों के अभी कॉल आने लगे हैं, फरिश्ते कुछ ऐसे जैसे लोग जानने लगे हैं, कॉल आने लगे हैं कि मैम आपके टीम से हम जुड़ना चाहते हैं, और काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया ना वो पूरी तरह जुड़ गए हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं हमारी ये पूरी टीम साथ में जाती है और हम अपना काम करते हैं, चाहे वो क्रूल्टी हो, फीडिंग हो, फीडिंग में भी इनकी हेल्प रहती है, कोई भी चीज़ हो, हॉस्पिटल के लिए हो, उसमें ये पूरी टीम मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।